सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज हम लोगों के पास है पोको X3 प्रो। एंड इसको करीब मैंने 240 डेज का अराउंड यूज़ किया है। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को कन्फर्मली बोल सकता हूँ कि इसको यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे गेमिंग कंटेंट बनाए हैं। 200 प्लस गेमिंग कंटेंट तो बनाए रूटर पे। एंड गाइस, उसके साथ साथ 60-70 प्लस लाइव स्ट्रीम किया है। मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है इसको लेके। एंड इसका जो मदरबोर्ड का डेड इशू है ना, कैसा रिस्पॉन्स करता है, क्या क्या दिक्कत मेरे को वहाँ पे देखने के लिए मिला है, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा। एंड इतने दिनों में कैसा परफॉर्मेंस इसका रहा है वो भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि अगस्त के सेल में इसका जो प्राइस है बहुत ही चीप प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला है। एंड ऑल्सो बिग बिलियन डेज के सेल में भी, क्योंकि जो भी स्टॉक है पोको X3 प्रो को लेके वो क्लियर करना है, सिंपल फंडा है। तो क्या आप ले सकते हो उस चीप प्राइस में, क्या आपका पैसा डूबेगा या सही जगह पे जाएगा, वो डिसीजन लेने के लिए आपको ये वीडियो प्रॉपरली देखना ज़रूरी है गाइस। सो गाइस, इंट्रो में और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलो गाइस, सो गाइस फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ इस पे मैंने क्या क्या किया है। इससे आप लोगों को ये नॉलेज मिल जाएगा कि आप इस पे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। न्यू यूज़र के लिए मैं बोल रहा हूँ, सो आप इस पे क्या क्या कर सकते हो। गाइस फर्स्ट मैं बोल दूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसका काम तो मैंने इस पे किया ही है। इसके साथ साथ और भी दो चैनल्स के जो कंटेंट एडिटिंग एंड ऑल जो काम रहता है ना, उसका काम भी मैंने इसी पोको X3 प्रो को यूज़ करके किया है, ठीक है। और कोई डिवाइस नहीं, पोको X3 प्रो को यूज़ करके ही किया है। और गाइस इसके साथ साथ और एक चीज़ भी बोल दूँ, रूटर नाम का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे लाइक कंटेंट क्रिएशंस वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पे मैंने, अगर आप हैरी बाबा गेमिंग करके सर्च करोगे तो आपको एक टॉप पे ना एक प्रोफाइल दिखेगा, तो उस पे मैंने लगातार 200 प्लस वीडियोज़ अपलोड किया है। 200 प्लस वीडियोज़ अपलोड किया है मैंने उस पे, गेमिंग कंटेंट वो भी, ठीक है। उसको सिर्फ पोको X3 प्रो को यूज़ करके किया है, मेरे पास और एक भी एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक ही डिवाइस है वो है पोको X3 प्रो। और गाइस सेकेंड चीज़ जो है, मैंने उसके अलावा भी 60-70 प्लस लाइव स्ट्रीम किया है, जो सिर्फ पोको X3 प्रो को यूज़ करके किया है, समझ रहे हो ना, सिर्फ पोको X3 प्रो को यूज़ करके किया है। अभी गाइस इतना कुछ तो कर लिया, बट इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें मेरे को झेलना पड़ा वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। गाइस इससे पहले जो 45 डेज़ का मैंने एक रिव्यू दिया था यूट्यूब पे, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। मेरे को वीडियो और जल्दी लाना था, बट स्टिल जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। गाइस मैं एक चीज़ बोल दूँ, 45 डेज़ के जो रिव्यू था ना, वो मतलब तब भी ठीक ठाक था, इतना लैग इशू नहीं होता था जो करेंटली अभी हो रहा है। मतलब अभी ना हद से ज़्यादा लैग इशू हो रहा है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही खुल के बोल रहा हूँ, हद से ज़्यादा लैग इशू हो रहा है। क्लासिक में आप, मैं अभी फ्री फायर खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि BGMI के रिव्यू नहीं आएगा, BGMI के भी पर्टिकुलरली रिव्यू आएगा, ठीक है। तो क्लासिक में गाइस इतना लैग होता है कि मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। क्लासिक में कुत्ते की तरह लैग होता है, ठीक है, कुत्ते के माफिक। अगर बाय एनी चांस कोई भी स्क्वाड अप पे पुश कर रही है या कहीं पे भी ज़्यादा फाइटिंग हो रही है ना, थोड़ा ज़्यादा एनिमीज है, तो वहाँ पे फ़ोन लैग करेगा ही करेगा, एंड कुत्ते का माफिक लैग करेगा, इतना लिख के देता हूँ मैं आप लोगों को, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और गाइस स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन की तो बात ही मत करो, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके खेलने के लिए ना, मतलब स्टोरेज एकदम ही क्लीन रखना पड़ता है, एकदम ही क्लीन, और उसके बाद जाके आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके थोड़ा बहुत अच्छा खेल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके बहुत ही अच्छा लेवल का गेम प्ले बना लूँगा मैं, तो सरासर गलत है, मैं आप लोगों को क्लियरली बोलता हूँ। एक डिसेंट लेवल का मतलब चीज़ निकल के आ जाएगा आपके पास, बट आप जो पैसा पे करोगे उसके हिसाब से आपको लगेगा नहीं भाई, थोड़ा और बेटर होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, बट वो नहीं मिल रहा है, फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। और गाइज बात आती है हीटिंग की और लाइव स्ट्रीम की। गाइज जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे, इफ़ अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो पर्टिकुलरली गेमर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ, सो अगर आप कभी भी लाइव स्ट्रीम करते हो तो गाइज एक चीज़ लिख के ले लो, इतना हीट करेगा फ़ोन, इतना हीट करेगा कि आप हाथ पे नहीं रख सकते, ठीक है। वो हीट मैंने झेला है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इतना हीट करेगा ही करेगा, और जब इतना हीट करेगा तभी आप सोच लेना कि आपका मदरबोर्ड डेड होने वाला है, ठीक है। पोको X3 प्रो पे स्नैपड्रैगन 860 दे तो दिया है पोको वालों ने, बट गाइज इसको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ है, जो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज नहीं है ना, वो कितना भी हाई एंड प्रोसेसर क्यों ना हो जाए उसको लेके कोई काम ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो गाइज मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ क्या हुआ था। एक बार ही मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, करीब एक घंटे से ज़्यादा थोड़ा बहुत लाइव स्ट्रीम हुआ, एक घंटे से ज़्यादा ही चला थोड़ा। तो उसके बाद फ़ोन एक अच्छा खासा टेम्परेचर में गया था, उसके बाद अचानक से फ़ोन ना लाइक बंद हो गया, फ़ोन ऑटोमेटिकली मतलब लाइव स्ट्रीम चलते चलते बंद हो गया। सोच लो अगर आपके लाइव वॉचिंग अच्छा खासा आ रहा है और चलते चलते फ़ोन बंद हो जाता है तो आप पे क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा उस लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, आपके ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप जस्ट सोच लो, ठीक है। मेरे साथ वो हुआ है, चलते चलते फ़ोन टोटली ऑफ हो गया एंड कुछ 10-15 मिनट बाद ओपन हुआ था। एंड ऐसा सेम सीन मेरे साथ विदाउट लाइव स्ट्रीम गेम खेलते हुए भी हुआ है, फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया एंड पावर बटन काम भी नहीं कर रहा था, स्क्रीन टोटली बैक हो गया था स्क्रीन से, एंड रैंक पुश टाइम तो भाई दिमाग गर्म हो जाता है अगर ऐसा सीन हो गया तो बाय एनी चांस, ठीक है। तो ये दिक्कत हुआ है मेरे साथ, मतलब एक बार तो हो गया था करीब आधा एक घंटे के पास, मतलब फ़ोन ऑन ही नहीं हो, मैंने सोचा गया मतलब इसका मदरबोर्ड गया, फ़ोन डेड एंड सब गया, मेरे पे भी गया अच्छा खासा। तो उसके बाद देखा कि नहीं यार ऑटोमेटिकली बूट हो रहा है फ़ोन एंड उसके बाद ठीक हो गया, ठीक है, मतलब नॉर्मल मोड पे आ गया, जैसा लैग वैग होके चल रहा था वैसे ही लैग वैग होके चलता गया, ठीक है, ऐसा सीन है। अभी गाइज देखो मेरे पास करेंटली स्टॉक पे है, मैं इसको सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को भी मैंने बोला था मेरे वीडियोज़ पे कि भाई मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि फ़ोन ख़रीदा थोड़ा बहुत यूज़ किया एंड उसके बाद सेल कर दिया, ठीक है। इस फ़ोन को भी ख़रीदने में मेरे को अच्छा खासा फटा है मेरा, ठीक है, एंड बहुत सारे पैसे जोड़ के मैंने इसको लिया है। तो अभी मेरे पास करंटली इतने पैसे नहीं है कि मैं नया फ़ोन ख़रीद सकूँ, नया फ़ोन परचेज़ कर सकूँ, तो इसको मेरे को यूज़ करना रहेगा, इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अलग फ़ोन में शिफ्ट होने का सोच ही नहीं सकता, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं नए यूज़र्स की जो नए फ़ोन लेना चाहते हैं, ठीक है। इतना दूर जो आप लोगों ने वीडियो देखा ना, मैंने रॉ चीज़ बोला, ना ही कुछ बड़ा चढ़ा के बोला, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को बोल दिया, ठीक है, ना ही कुछ स्क्रिप्टिंग करके बोला, मेरे साथ जो भी हुआ मैंने वो आप लोगों को क्लियरली बोल दिया, बाकी कुछ इस पर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टचिंग का इशू है, जब हीट हो जाएगा तब टचिंग का इशू भी आएगा आपको, ठीक है, फ़ोन टच होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये दिक्कत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, टच इशू, हीटिंग इशू एंड स्क्रीन बैक प्रॉब्लम और लैग प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को दिखेगा। और इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है मदरबोर्ड का प्रॉब्लम, और उसके बाद फ़ोन को डस्टबिन में फेंकना पड़ता है, ठीक है, एकदम क्लियरली मैंने आप लोगों को बोल दिया। अगर इसके बाद लाइक कुछ भी चीप प्राइस में आप लोगों को मिलता है फ़ोन, ठीक है, कुछ भी चीप प्राइस में मिलता है तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगे या नहीं लोगे, बट मतलब मैं डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बोल सकता ना कि भाई आप फ़ोन मत लो, ठीक है, ऐसा सीन तो नहीं बोल सकता ना, बट जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको यूज़ करके मैंने वो आप लोगों को क्लियरली बोल दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने ऐसा लाइक हुआ है मेरे साथ, तो मेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट व्यू पे खड़े होके मतलब इतना सारा चीज़ होने के बाद मैं कभी भी ऐसा मतलब डिसीजन लूँगा कि हाँ रिटर्न जाके पोको सी प्रो ले लूँ कितने भी चीप प्राइस में क्यों ना आ जाए, क्योंकि मेरे को इतना अंदाज़ा है कि ये कितने चीप प्राइस में आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल दिया कि गाइज क्या हो सकता है, ठीक है। होप गाइज इतने से वीडियोस में आप लोगों का जो माइंडसेट है या जो भी है मेरे साथ मैंने मेरे को जो रिव्यू देना था मैं दे दिया, ठीक है। होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है देन कमेंट करो यार मेरे को, ठीक है, बहुत दिन बाद आया हूँ, बहुत दिन बाद कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी गलती, ठीक है, बट स्टिल मैं कंटिन्यू करूँगा एंड आप लोगों को दिल से थैंक्स एंड दिल से लव यू कि मेरे ख़राब टाइम में भी ना आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाते गए। कुछ बंदे हैं जो कमेंट करते गए, कुछ बंदे हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करता गया कि भाई कंटेंट क्यों नहीं आ रहे, सो दिल से थैंक्स भाई, मैं रिटर्न आया हूँ, कंटेंट बनाऊँगा, सब बनाऊँगा, टेंशन मत लो, और इसका नेक्स्ट कंटेंट भी आएगा, टेंशन मत लो, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, ठीक है। सो गाइज अगर कुछ डाउट रहते हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा एंड ट्राई हार्ड करूंगा कि और अगर कुछ डाउट रहता है तो उसके ऊपर वीडियोस बना दूं, ठीक है। एंड नेक्स्ट फ़ोन के ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं, तो क्या फ़ोन है गेस करना, कमेंट करना, एंड होपफुली मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को लगता है कि बंदा डिज़र्व करता है इस वीडियो से कुछ एंड बंदे का कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं लगता है तो चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो
लाइक फ़ोन का रिव्यू देना था आप लोगों को कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सीन होता है फ़ोन के साथ, ऐसा ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ, तो वो मैंने आप लोगों को दे दिया। तो चलो गाइज़, बाय बाय और टेक केयर गाइज़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।